हेलो मेरे दोस्तों, आजकल ऑफिसेज में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि हर इंसान यही चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करे कि उनके एसेट्स, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर दे। तो आज हम बात करते हैं राम, गोपाल, रिद्धि और प्रियंका की। उन्हें आज का 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा कुछ सालों बाद उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आइए आज हम समझते हैं कि उन्हें इस 1 करोड़ के गोल को अचीव करने के लिए आज से कितने पैसे निवेश करने होंगे अलग-अलग परसेंटेजेस के हिसाब से। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और ऑफ कोर्स कमेंट में अपने फीडबैक भी जरूर छोड़िएगा। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप राम, रिद्धि, गोपाल और प्रियंका की तरह अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इस स्क्रीनशॉट के साथ। अब यहां पे पहले तो हम बात करते हैं राम की। अब राम को जो है आज से 10 सालों बाद आज का 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आज का 1 करोड़, अगर महंगाई 6% से बढ़ रही है तो आज का 1 करोड़ 6% इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद 10 बरस बाद कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 79 लाख। इट मींस कि राम जो चीजें आज 1 करोड़ में खरीद सकता है, वही सेम चीजें खरीदने के लिए राम को 10 बरस बाद 1 करोड़ 79 लाख रुपीस चाहिए होंगे। अब यहां पे राम का टारगेट 1 करोड़ अचीव करना नहीं होना चाहिए दोस्तों, राम का टारगेट होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद उसे फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, अगर वो 8% के हिसाब से पैसे निवेश करना चाहता है और अगर उसे 1 करोड़ 80 लाख रुपीस चाहिए होंगे 10 बरस बाद, तो उसे महीने का 97,200 रुपीस निवेश करना होगा। और यही अगर हम 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसे चाहिए होंगे 86,700 रुपीस पर मंथ निवेश करने के लिए। अगर हम बात करें 12% की, तो 77,000 रुपीस उसे हर महीने निवेश करने होंगे। और यही अगर उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 15% है, तो उसे निवेश करने होंगे 64,200 रुपीस। अब हम बात करते हैं गोपाल की। दोस्तों, अब गोपाल का भी सेम गोल है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि गोपाल को राम की तरह ये पैसे 10 बरस बाद नहीं चाहिए होंगे, उसे ये पैसे चाहिए होंगे 15 ईयर्स बाद। यानी आज का 1 करोड़ अगर हम 6% इन्फ्लेशन जोड़ दे तो गोपाल को 15 बरस बाद चाहिए होंगे पूरे 2 करोड़ 39 लाख 65,000 रुपीस। इसका क्या हुआ मतलब दोस्तों, कि आज जो चीजें गोपाल 1 करोड़ में खरीद सकता है, उन्हीं सेम चीजों को खरीदने के लिए गोपाल को 2 करोड़ 39 लाख रुपीस देने होंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है दोस्तों। तो राम का टारगेट 1 करोड़ नहीं होना चाहिए, राम का टारगेट होना चाहिए 2 करोड़ 39 लाख रुपीस। तो आइए समझते हैं, 8% के हिसाब से राम को अभी से निवेश करना होगा 68,000 रुपीस, 10% के हिसाब से 57,000 रुपीस हर महीने, 12% के हिसाब से 47,500 और 15% के हिसाब से 35,000 रुपीस पर मंथ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिद्धि के निवेश की। रिद्धि को भी सेम आज का 1 करोड़ चाहिए, लेकिन आज से 20 बरस बाद। इट मींस अगर हम उसमें 6% का इन्फ्लेशन जोड़ दे तो आज का 1 करोड़ रिद्धि को तभी का चाहिए होगा 3 करोड़ 20 लाख रुपीस, और उसे निवेश करने होंगे 54,000 रुपीस पर मंथ। अगर वो 8% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखती है तो उसे निवेश करने होंगे 41,800 रुपीस हर महीने, अगर वो 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखती है तो।
और 12% और 15% के हिसाब से उसे निवेश करने होंगे 32,000 रुपीज पर मंथ एंड 21,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करते हैं प्रियंका की। प्रियंका का भी सेम गोल है राम, गोपाल और रिद्धि की तरह, लेकिन उसे ये 1 करोड़ आज की रकम चाहिए होगी तब 25 बरस बाद। लेकिन 25 बरस बाद अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो आज का 1 करोड़ तब का प्रियंका के लिए चाहिए होगा 4,29,00,000 रुपीज। यानी दोस्तों, जो चीज़ें आज प्रियंका 1 करोड़ में खरीद सकती है, उन सेम चीज़ों को खरीदने के लिए प्रियंका को तब देने होंगे 4,29,00,000 रुपीज। तो आइए समझते हैं 4,29,00,000 रुपीज का टारगेट अचीव करने के लिए प्रियंका को 8% के हिसाब से चाहिए होंगे 44,000 रुपीज पर मंथ, उसे निवेश करने होंगे 10% के हिसाब से 32,000, 12% के हिसाब से 22,000 एंड 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 13,000 रुपीज पर मंथ। अब दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि आज के 1 करोड़ की वैल्यू इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद तब कितनी होगी, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू का ये मतलब हुआ कि राम के लिए आज जो चीज़ें वो 53,00,000 रुपीज़ में खरीद सकता है, ये सेम चीज़ें खरीदने के लिए राम को आज से 10 बरस बाद चाहिए होंगे 1 करोड़। और सेम अगर हम बात करें गोपाल, रिद्धि और प्रियंका की, तो आज का जो है 39,00,000 रुपीज़ 15 बरस बाद बनता है 1 करोड़। रिद्धि के लिए आज का 29,00,000 रुपीज़ 20 बरस बाद बनता है 1 करोड़। और प्रियंका के लिए आज का 21,00,000 रुपया 21,00,000 रुपीज़ 25 ईयर्स के बाद बनता है 1 करोड़ रुपया। यानी आज की वैल्यू तब की 1 करोड़ होगी, लेकिन तब का 1 करोड़ रिद्धि, प्रियंका, गोपाल और राम के लिए 1,79,00,000, 2,39,00,000, 3,20,00,000 एंड 4,29,00,000 रुपीज होगा। तो दोस्तों, काश मुझे किसी ने ये चीज़ें बताई होती जब मैं थोड़ा यंग था, तो मुझे पता चल जाता कि इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर में हमें कितने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। आइए अब एक और स्क्रीनशॉट की मदद से समझते हैं अशोक के बारे में। अब अशोक के कुछ पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स हैं। जैसे अशोक को चाहिए कि आज से 10 बरस बाद वो कुछ पैसे इकट्ठा कर ले अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए। आज से 15 बरस बाद वो चाहता है कि उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए वो कुछ पैसे इकट्ठा करे। उसे यूरोप टूर पर जाना है अपनी फैमिली के साथ, वेकेशन करनी है। उसे कार खरीदनी है 5 बरस बाद, और अपने बच्चों की मैरिज के लिए 15 ईयर्स बाद वो कुछ पैसे जोड़ना चाहता है। तो आइए समझते हैं कि उसे क्या करना होगा। अब आज का अगर हम 6% का इन्फ्लेशन पकड़े, तो आज अगर उसके घर की डाउन पेमेंट के लिए उसे अगर 13,46,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और अगर 6% से अगर उसके घर की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, तो यही उसे डाउन पेमेंट के लिए 10 बरस बाद देने होंगे 25,00,000 रुपये। और उसे आज से निवेश शुरू करना होगा 10,760 रुपीज़ का। अब अगर हम बात करें 15 ईयर्स बाद उसके बच्चे की एजुकेशन के गोल का, तो आज का अगर हम 40,00,000 रुपया पकड़े, अगर उसके बच्चे को US जाना है, कनाडा जाना है, और 10% से अगर महंगाई बढ़ती है दोस्तों, तो आज का 39,00,000 रुपीज उसे तब आज से 15 बरस बाद चाहिए होगा 1 करोड़ रुपया। और उसे आज से 19,800 रुपीज का निवेश करीब करीब शुरू करना होगा। और ये जो भी रिटर्न है दोस्तों, मैंने लॉन्ग टर्म गोल्स है तो 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है। अब सेम अगर हम बात करें उसके यूरोप टूर की, कार की और मैरिज की, तो 10 बरस बाद, 5 बरस बाद और 15 बरस बाद अगर इन्फ्लेशन 8%, 6% और 8% से बढ़ता है, तो आज का 19,00,000, 5,00,000 और 8,00,000 तब का अशोक को चाहिए होगा 35,00,000, 7,00,000 एंड 20,00,000 रुपीज। और उसे निवेश शुरू करना होगा 15,000, 8,500 और 4,000 रुपयों का इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने कुछ गोल्स प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरीके से सोचना ज़रूरी है कि भाई आज की जो वैल्यू है वो तब की कितनी होगी, और तब की वैल्यू अचीव करने के लिए हमें आज से कितना रुपया निवेश शुरू करना होगा। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप अशोक की ही तरह अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आपकी करंट इनकम के हिसाब से वो गोल्स अचीव करना मुमकिन होगा या नहीं, ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स
अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, एड अप ऑल योर डेट्स, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, होम लोन, आपकी जितनी भी लोन है उनका करंट आउटस्टैंडिंग वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। समझिए कि उस पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट भर रहे हो, क्या वो फ्लैट लोन है, क्या वो रिड्यूसिंग बैलेंस लोन है, और ये सब कुछ समझने के बाद कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आपकी जो अनप्रोडक्टिव लोन्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन जो कि सबसे महंगी होती है, आप उसे जल्द से जल्द निपटा दें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली इज योर मनी गोइंग। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारी इनकम, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद हमारा पैसा एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। अगर आपको भी अंदाजा नहीं है इस चीज़ का तो समझिए, फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इज योर मनी गोइंग। नेक्स्ट पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। दोस्तों, ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा कि आपके करीबी 5 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, कैसी उनकी हैबिट्स है, क्या उनकी सोच है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो करीबी 5 दोस्त है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, एंड आई कैन अश्योर यू आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर। नेक्स्ट पॉइंट है, डिटरमाइन इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग इनफ मनी। अब कई लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, खास करके यंग मिलेनियल्स, वो कहते हैं हमें रिच बनना है, हमें अमीर बनना है। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में उनके गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे, वो एक रैंडम दिशा में चल रहे हैं। तो पहले तो समझिए कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको आज से कितना पैसा निवेश करना है, और उस पैसे को निवेश करने के लिए आज से आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो तब जाके आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। सो डिटरमाइन इफ एक्चुअली यू आर मेकिंग इनफ मनी और नो। कई लोग बहुत कम पैसे बना रहे हैं और उनकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में जल्दी से जल्दी आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर बैड हैबिट्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। तो अगर आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स है जिनके वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे स्ट्रेन आ रहा है, जैसे कुछ सब्सक्रिप्शंस है जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं है फिर भी आप हर महीने पैसे भरे जा रहे हो, आपके कुछ बैड हैबिट्स है, ये तो बैड एटीट्यूड की बात की मैंने, लेकिन अगर आपकी कुछ बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर डूइंग, स्पेंडिंग मनी ऑन बैड हैबिट्स, ट्राई कीजिए उसे कंट्रोल करने की, तो आप बहुत ज़्यादा वो पैसे भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट वेर यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंसिस। अगेन समवेयर रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, कोशिश कीजिए कि आप अपना बजट करके कहाँ पे पैसे आप कट डाउन कर सकते हो और वो पैसे आप कैसे निवेश करके उन पैसों को अपने लिए काम पे लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, पे डाउन ऑल योर बैड डेट्स। फ्रेंड्स, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जो भी आपके बैड डेट्स है, जो आपके जेब से पैसे लेके जा रहे हैं हर महीने, जैसे कार है तो कार का मेंटेनेंस, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 18%, 20%, इवन 40% तक भी होता है। तो समझिए, क्लियर ऑफ योर बैड डेट्स एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट, बिल्डअप एंड इमरजेंसी फंड, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इमरजेंसी के समय पे आपको यही पैसा काम आता है, इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इन्वेस्ट एंड इंश्योर वाइजली। अब आप पैसे कमा तो रहे हो लेकिन उन पैसों को पड़ोसी की मदद से, फ्रेंड की मदद से, या किसी मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी की मदद से निवेश मत कीजिए, सही हेल्प लेके उसे वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। ये तो हुई इन्वेस्टमेंट की बात, अपने आप को इंश्योर कीजिए। अगर टर्म प्लान नहीं है तो वो ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो वो ले लीजिए, इमरजेंसी के समय पर आपको वही पैसा काम आता है। नेक्स्ट, मेक योर चिल्ड्रेन फाइनेंशियली वाइज एंड टीच देम द वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, आपके बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करें, आपके बच्चे खुद ही जो है पैसे की वैल्यू समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क टू लर्न व्हेन यंग, नॉट टू अर्न। जब यंग है तब सैलरी मत देखिए, आप ये देखिए कि आप ऐसी फील्ड में काम करें जहाँ पे आपको सीखने ज़्यादा मिले, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यही सीख आपके मिडिल एज में आपको बहुत काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट, यू बिकम व्हाट यू स्टडी, सो रीड अ लॉट। दोस्तों, आप कोई भी बड़ा आदमी ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इन सबको जो है पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी जी का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई रीड अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सो आई कैन कनेक्ट विद यंग पीपल। वो भी ये मानते हैं कि यंग लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा सीखने मिलता है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन शायद ज़्यादा स्मार्ट है, राइट? तो सीखने में कौन सी बुराई। नेक्स्ट पॉइंट, बी इन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। घर खरीदना है,
इमोशनली खरीद लिया, पेरेंट्स से फोर्स कर लिया, मॉल में चले गए, कोई घड़ी पसंद आए, कोई कोई जूते पसंद आ गए, इमोशनल होके मत खरीदिए चीज़ों को. व्हेन इट कम्स टू मनी डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल. नेक्स्ट पॉइंट, बाय लग्जरीज लास्ट इफ पॉसिबल फ्रॉम योर पैसिव इनकम. एक अमीर इंसान अपने BMW और मर्सिडीज की जो EMI भरता है ना दोस्तों, वो अपने पैसिव इनकम से भरता है. लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान अपनी एक्टिव इनकम में से EMI भरता है और कभी एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाता. तो पहले एसेट्स क्रिएट करने पे कोशिश कीजिए जो आपको पैसिव इनकम देंगे, और उन पैसिव इनकम से कोशिश कीजिए कि आप अपनी लग्जरीज खरीदो. एंड वन लास्ट पॉइंट, लर्न टू लिसन एंड टू एब्जॉर्ब. मैंने एक बहुत अच्छी कहावत पढ़ी थी, व्हेन यू स्पीक यू आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, क्योंकि आपको सामने वाले इंसान का जो है नॉलेज मिल रहा है. तो ज़्यादा बात करने से पहले ज़्यादा सुनिए, आपसे जो स्मार्ट लोग जो आजू बाजू है उनसे आपको क्या सीखने मिल रहा है, सीख को एब्जॉर्व कीजिए. तो दोस्तों अगर ये कुछ प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो तो चांसेस है कि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो. तो उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो से मैंने आपको कुछ सिखाया और समझाया और आपकी लाइफ में मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया. दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं. अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए. हर वेनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे. कंडीशन है कि बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा. दोस्तों शेयर कीजिए ये वीडियो यंग इंडिया के साथ. मैं चाहता हूं कि जो यंगस्टर्स है ना वो फाइनेंशियली फ्री बने, फाइनेंशियली लिटरेट बने. थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा इस विजन में साथ देने के लिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.